सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लिबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। आपने जापान का टूरिस्ट वीज़ा लेना हो तो कैसे वीज़ा लिया जा सकता है, कैसे रिजल्ट्स हैं? रिज़ल्ट की बात करें तो हमारे पास एक रिसेंट वीज़ा है जो अप्रूव हो गया है। ये हैं गुरप्रीत सिंह, इन्होंने टूरिस्ट वीज़ा हमारी टीम के थ्रू अप्लाई किया था, तो इनको 3 महीने का टूरिस्ट वीज़ा मिला है, सिंगल एंट्री, और ये 15 दिन कंटिन्यू स्टे कर सकते हैं, यानी 15 दिन से ज़्यादा स्टे ये जापान में नहीं कर सकते और एक बार विज़िट कर सकते हैं, और 3 महीने के अंदर अंदर इनको ट्रैवल करना है। तो ये शर्तें हैं वीज़ा की, और आपने भी वीज़ा लेना हो तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, कॉल करें और हमारी टीम से काउंसलिंग लेके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले चीज़ याद रखें कि जापान में वीज़ा अप्लाई करते वक्त कुछ गलतियां ना करें, यानी कि जब हमने अपने वीज़ा अप्लाई करना है तो आपका एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनना बहुत ज़रूरी है। यदि वो ट्रैवल प्लान नहीं है तो वीज़ा के चांस आपके कम रहेंगे, और साथ में आपके स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो भी कंप्लीट जाने चाहिए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपकी ITR और आपके इनकम प्रूफ, यानी जो आपने ITR फिल की है, 3 साल की ITR आपकी मिनिमम जाए, और साथ में आपके इनकम प्रूफ जाए। इनकम प्रूफ में आपके सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो होने चाहिए, जो भी आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो उसके सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट भेजें, सैलरी स्लिप, NOC, सैलरी स्टेटमेंट, बिजनेस करते हो रजिस्ट्रेशन, करंट अकाउंट, ये सारे डॉक्यूमेंट भेजें, तो आपके वीज़ा के चांस जो है हाई रहेंगे। साथ में एक चीज़ और याद रखें कि आपके पास फंड्स होने ज़रूरी होते हैं, यदि आपके पास पूरे फंड नहीं है तो वीज़ा के चांस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो फंड्स मिनिमम 5 लाख के आसपास फंडिंग जरूर दिखाएं, 5 लाख के आसपास फंडिंग रहेगी तो वीज़ा के चांस जो हैं आपके हाई रहेंगे। और एक चीज़ और याद रखें कि जब आप जापान में वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके पासपोर्ट पे रेड कलर की स्टैंप लग सकती है यदि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो ये हम पहले ही आपको बता रहे हैं। बट इस चीज़ से घबराएं भी ना, क्योंकि काफ़ी लोगों का ये रहता है कि रिफ्यूज़ल की वो स्टैंप है तो उसके बाद कोई कंट्री वीज़ा नहीं देगी। ऐसा नहीं है, हमने बहुत एप्लीकेशन करी है जिनका पहले जापान रिफ्यूज़ल था और उसके बाद उनको UK, कैनेडा ये वीज़ा मिले हैं, और आप शेंगेन का वीज़ा भी ले सकते हैं, US का वीज़ा भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपका पहले रिफ्यूज़ है इस कंट्री से या किसी भी कंट्री से तो आपको उसके बाद किसी और कंट्री का वीज़ा नहीं मिलेगा। तो ये कन्फ्यूज़न ना रखें, हम पहले क्लियर कर दें कि इन केस रिफ्यूज़ होता है तो रेड कलर की स्टैम्प वहाँ पर जरूर लग के आती है, बट उससे आपकी आने वाली कंट्री जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। ऐसा कईयों को डाउट होता है कि इससे कहीं वीज़ा रिज़ल्ट डाउन ना हो जाए, बट वैसा कुछ नहीं है। तो जापान का टूरिस्ट वीज़ा आपने अप्लाई करना हो तो हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें या कॉल करें और अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।